के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। राज्यों के चुनाव में पहले सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस पर छिड़े विवाद पर अब बीजेपी के राजस्थान में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की भी एंट्री हो चुकी है। जोशी ने शुक्रवार को दिए अपने एक बयान में विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडी गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ सनातन धर्म के नाश के लिए गठबंधन बनाया है। प्रहलाद जोशी के इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के विपक्षी गठबंधन को घमंडी गठबंधन बताने वाले बयान पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, सत्ता का अहंकार बहुत झलक रहा है, इसीलिए विपक्ष पर घमंड को मढ़ना अनावश्यक और बेकार है, क्योंकि जो अहंकारी हैं वे ही सत्ता में हैं। यही हम हर दिन देख रहे हैं। मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि हमने गठबंधन को जो नाम दिया है वह उन्हें रास नहीं आ रहा है, इसीलिए इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन से उन्हें इतनी दिक्कत है कि देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर विचार करना पड़ रहा है। भारत नाम को विशेष अधिकार देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे संविधान में दोनों नाम इंडिया और भारत है, तो उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करने में क्या समस्या है।